वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ एंड चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता हो, मैंने कल चैप्टर फर्स्ट में बताया था आप लोगों को। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़े थे आप लोग? पैटर्न पढ़े थे, ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर सेकंड में बात करेंगे नंबर्स एंड न्यूमरल्स की। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर आपको दिख रहा है, ये देखिए क्या लिखा है, नंबर्स एंड न्यूमरल्स, यानी नंबर क्या होते हैं और न्यूमरल्स क्या होते हैं वो आपको हम आज बताएंगे, ठीक है ना। नंबर्स एंड न्यूमरल्स, यहां पे देख रहे होंगे कि नंबर्स 1 to 100 है। क्या है? नंबर्स 1 to 100। तो 1 to 100 नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, ये आपका क्या हो गया, न्यूमरल हो गया। तो इसका नंबर कैसे लिखा जाता है? ओ एन ई वन। आप इसको वैसे अगर बेसिक रूप में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे नंबर्स में? ओ एन ई वन, ठीक है। सेकंड क्या है? टू आपको दिया हुआ इस तरीके से, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? टी डब्ल्यू ओ टू, ठीक। ये आपका न्यूमरल्स है, ये है आपका नंबर नेम, ठीक। उस नंबर को जैसे आप वन बोल रहे हैं तो कैसे लिखा जा रहा है? ओ एन ई वन। टू पढ़ रहे हो टी डब्ल्यू ओ टू। उसी तरीके से थ्री टी एच आर डबल ई थ्री, ठीक। फिर फोर एफ ओ यू आर फोर। फिर फाइव एफ आई वी ई। इसको आप किसी भी नंबर तक बना सकते हो। जैसे आपको यहां 1 to 10 दिया है, तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख करके आप इस तरीके से काउंटिंग का न्यूमरल से लिख सकते हैं, और फिर उसके जस्ट सामने इस तरीके से आप लिख करके नंबर्स नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके आगे आप लिखना चाहें तो उसके आगे आप जितने 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, जितना हो सकता है उतना आप नंबर नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया नंबर नेम कैसे लिखे जाते हैं। फिर आते हैं लिखने के लिए नंबर जीरो। जीरो किस तरीके से लिखा जाता है वो हम देखते हैं। नंबर जीरो, ठीक है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स वी नीड अ नंबर विच हैज नथिंग वैल्यू, फॉर दिस वी हैव इन्वेंटेड जीरो। जीरो की कोई वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जीरो को लिखा कैसे जाता है नंबर में वो हम आपको बताते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, न्यूमरल्स इस तरीके से जीरो लिख दिए, ठीक है। जैसे ओ होता है उसी तरीके से आप क्या किए, जीरो लिख दिए। लेकिन उसको नंबर नेम अगर कोई बोलता तो कैसे लिखेंगे आप? जेड ई आर ओ, क्या होता है ये? जीरो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे जीरो है, फिर जीरो को नंबर नेम लिखा गया है, फिर जीरो है, फिर नंबर नेम लिखा गया, फिर जीरो है, फिर नंबर नेम, इसी तरीके से पूरा लिखा गया है, ठीक है। फिर आते हैं हम आपको बताते हैं बिग और स्मॉल। बिग और स्मॉल, बिग एंड स्मॉल, ठीक। बिग मीन्स क्या हुआ? बड़ा होता है, यानी बिग मीन्स बड़ा, एंड स्मॉल मीन्स छोटा। कैसे पता चलता है वो बड़ा है, कैसे पता चलता है वो छोटा है? जिसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको पिक्चर्स दिख रही है यहाँ, ये देखिए पिक्चर्स दिख रही है, ये बिग साइज यानी बड़ा साइज का दिख रहा है। फिर उसी की जस्ट साइड में आपको यहाँ देखेंगे छोटा यानी स्मॉल साइज का दिख रहा है। देख रहे हैं ये होता है बिग, ये होता है स्मॉल। जैसे फिर यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ क्या है? स्मॉल है। फिर उसके देन आगे क्या दिया है? बिग दिया है। फिर यहाँ बिग है, स्मॉल है, स्मॉल है, बिग है। ये होता है बड़ा, ये होता है छोटा, ठीक है।
फिर हम देखते हैं इक्वल टू, इक्वल मीन्स बराबर ऐसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है इस तरीके से, इक्वल आप ये लिखे इक्वल मीन्स ये बराबर। तो देखिए कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखा है, टू आउट ऑफ द थ्री सेट्स इन ईच रो और इक्वल इन नंबर्स, जैसे आपकी वन टू थ्री ये क्या है रो बनी हुई है, वन टू थ्री ये रो होती है, ये क्या होता है कॉलम होता है, रो मीन्स लाइन हो गया, कॉलम मीन्स क्या हो गया ये इस तरीके से जैसे ऊपर आपका स्तंभ बना हुआ है वो होता है ठीक। तो ऑब्जेक्ट्स लेट अस काउंट एंड राइट द नंबर्स इन एंड टिक द सेट्स दैट आर इक्वल। देखिए इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें फाइव है ठीक, लेकिन नेक्स्ट में आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें फाइव ही है इसमें सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव इसमें फाइव है तो यहाँ फाइव है तो हम यहाँ क्या कर देंगे टिक लगा देंगे, मतलब इसके इक्वल ये है ठीक। फिर टेन सेकंड में देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, या नाइन बिंजल्स यानी बैगन दिख रहा है। अब आपको ये पता करना है कि ये जितने इसमें उतने किसी में है, थ्री थ्री सिक्स वन सेवन है इसमें, इसमें भी सिक्स वन सेवन है, तो मतलब सेवन सेवन क्या है इक्वल बराबर है, तो हम इसमें दोनों में क्या करेंगे टिक लगा देंगे, मतलब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के बराबर है। फिर सी में देखेंगे कैलीफ्लावर दिख रहा है आपको, फूल गोभी, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, फिर इसको काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब सेवन के इक्वल ये नहीं है, बराबर तो नहीं है क्योंकि इसमें एक कम दिख रहा है इसमें एक ज्यादा है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये और ये इक्वल है, इसलिए दोनों हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे, मतलब इसके ये बराबर है ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना इक्वल क्या होता है यानी बराबर क्या होता है। अब हम पता करते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन करते हैं पता ठीक है ना। ग्रेटर देन एंड देखिए जैसे यहां पे मान लीजिए 46 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पे 5 लिखा हुआ है ठीक है, देन यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका 4 लिखा हुआ है ठीक है। तो ग्रेटर देन मींस हमको इन दोनों नंबरों में ये पता लगाना है कौन सा नंबर बड़ा है। ग्रेटर देन का साइन इस तरीके से होता है जैसे आप देख रहे हैं दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ये होता है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है तो हमें तो ऐसे पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे देखेंगे यहाँ 4 है और ये 5 है यानी 4 से 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे ये ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, मतलब 4 से 5 बड़ा है ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे पहले कौन सा बड़ा है, तो देखेंगे 6 8 से क्या है छोटा है, लेकिन हमें ग्रेटर देन पता करना है तो क्या करेंगे ये मार्क लगा देंगे मीन्स 6 से 8 बड़ा है ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लेस देन, ये लेस देन ठीक, जैसे बाय चांस मान लीजिए यहां पे क्या है 6, यहां पे क्या दिया है 2 दिया हुआ है ठीक है, 6 2 दिया हुआ है, तो यहां पे ये हमें पता करना है कौन सा छोटा नंबर है, ये तो हमें पता चल रहा है कि ये 6 है और ये 2 है, तो लेस देन मींस क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे साइन लगा देंगे, मतलब ये हमें पता चलता है कि ये जो नंबर 2 है वो 6 से क्या है छोटा है ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 5 बॉल्स बनी हुई है ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 बॉल्स बनी हुई है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है किसमें कम है, यहाँ 5 है यहाँ 4 है ये कम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे लेस देन यानी इससे ये क्या है छोटा है ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ हम पढ़ते हैं बिफोर,
बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर मीन्स ये होता है, बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, ठीक है। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, यहां पे आप जैसे देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर द गिवन नंबर्स, ठीक। यानी ये जो नंबर्स नीचे आपके दिए हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर द गिवन नंबर्स, यानी जो नंबर्स दिए हैं उसके पहले नंबर कौन सा आएगा वो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, यानी भरना है, लिखना है। तो जैसे देखिए एग्जांपल में, यहां मान लीजिए 5 दिया हुआ है, यहां 7 दिया हुआ है, यहां 8 दिया हुआ है, यहां 2 दिया हुआ है, तो ये नंबर्स हो गए। अब इसके पहले का नंबर यानी बिफोर, इसके पहले का नंबर क्या होगा पता है, 5 से पहले क्या आता है 4, 7 से पहले क्या आता है 6, 8 से पहले क्या आता है 7, एंड 2 से पहले क्या आता है 1। अगर ऐसे तरीके से नंबर दिया है तो हमें उसके पहले का कौन सा नंबर है वो लिखना है, फिर उसके पहले का नंबर कौन सा है वो हमें लिखना है, 8 से पहले क्या आता है वो लिखना है, 2 से पहले आता है वो लिखना है, ठीक है। फिर आते हैं आफ्टर में, आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में, मैंने आपको बताया है। तो जैसा कि यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया है एंड 7 दिया हुआ है, तो आपको साफ साफ यहाँ समझ में आ रहा है कि आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में। तो मीन्स इन नंबरों के बाद में कौन सा नंबर आएगा, ठीक। 12 के बाद क्या आता है 13, 6 के बाद क्या आता है 7 एंड 3 के बाद क्या आता है 4 एंड 7 के बाद क्या आता है 8। ये हो गया हमारा बिफोर यानी पहले, कोई भी नंबर के पहले क्या लिखा जाता है, ठीक। एंड आफ्टर किसी भी नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा वो हमें फिल करना है, ठीक है। आप समझ गए, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। फिर आते हैं नंबर्स इन बिटवीन, बिटवीन मीन्स क्या होता है बीच में, बीच में मीन्स क्या है, जैसे इधर कुछ बना हुआ है इधर भी कुछ बना है, तीन दोनों के बीच में क्या आएगा उसका मीन्स क्या होता है, बिटवीन मीन्स बीच में, ये चीज हमें पता करना है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई डिजिट ले लेते हैं, क्या लिए 2 लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कोई डिजिट ले लेते हैं 4, यानी ये क्या हो गया बिफोर पहले, ये हो गया बिटवीन, ये हो गया आफ्टर, यहां 2 ले लिए, यहां 4 ले लिए, ठीक। यहां 6 ले लिए, यहां पे हम ले लिए 8, यहां पे ले लिए 3, यहां पे ले लिए हम 5, ठीक। तो ये बिफोर यानी ये क्या है, सबसे पहले नंबर क्या दिया हुआ है 2 दिया है, जस्ट इसके आफ्टर यानी बाद में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है बिटवीन यानी इसके बीच का नंबर पता करना है क्या होता है। ये 2 है, ये 4 है, इसके बीच का नंबर क्या होगा 3। हम क्या पढ़ते हैं काउंटिंग में 2, 3, 4, इसलिए 2 और 4 के बीच का नंबर क्या होगा 3। फिर सेकंड नंबर क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है आफ्टर में 8 दिया हुआ है, ठीक। बिफोर यानी पहले क्या दिया 6, आफ्टर मीन्स बाद में क्या दिया हुआ है 8, तो हमें बीच का नंबर लिखना है बिटवीन बीच में। 6 के बाद हम क्या पढ़ते हैं 7, यानी 6, 7, 8, ठीक है। बिफोर हो गया बिटवीन यानी बीच में हो गया, आफ्टर मीन्स क्या हो गया बाद में। फिर बिफोर 3 नंबर दिया है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। आप देखें यहाँ 3 लिखा था, बाद में क्या लिखा था 5, हमें क्या करना है बीच का नंबर यानी 3 के पहले और 5 के बीच में क्या आता है 4, क्या हो गया 4, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले फॉरवर्ड काउंटिंग में, ठीक है।
जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे क्या लिखा है, लेट अस फिल इन द बॉक्सेस विथ मिसिंग नंबर्स। यहाँ देख रहे हैं कुछ बॉक्स बने हुए हैं जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं लेकिन कुछ मिस है, यानी कुछ नहीं लिखे हुए, गायब है। जैसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ वन लिखा है, फिर यहाँ पे बीच में गायब है, फिर फाइव लिखा है, फिर टेन लिखा है। जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग, हम काउंटिंग कैसे पढ़ते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक। टेन के बाद फिर क्या आता है, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। इसी तरीके से वन से लेकर हमें कहां तक काउंटिंग करनी है, हंड्रेड तक, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वन इलेवन ट्वेंटी वन थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी वन सिक्सटी वन सेवेंटी वन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। इसी तरीके से पूरी काउंटिंग हमें क्या करना है, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। समझ गया ना काउंटिंग कैसे लिखी जाती है, ओके। अब हम आते हैं बैकवर्ड काउंटिंग में। अभी हमने क्या पढ़ा, फॉरवर्ड काउंटिंग यानी वन से लेकर आगे बढ़ना। अब हम ये करेंगे हंड्रेड से लेकर वन में आने, यानी बैक, जस्ट हमें पीछे आना है। जैसे हम यहाँ से क्या करते थे, पहले फॉरवर्ड में वन से स्टार्ट करते थे, वन टू थ्री से लेकर हंड्रेड जाते थे। अब हमें क्या करना है, हंड्रेड से स्टार्ट करना है, हमें कहाँ पे जाना है, वन पे जाना है, जस्ट पूरा बैक। क्या करते हैं, हंड्रेड नाइनटी नाइन नाइनटी एट नाइनटी सेवन नाइनटी सिक्स नाइनटी फाइव नाइनटी फोर नाइनटी थ्री नाइनटी टू एंड नाइनटी वन। फिर यहाँ पे नाइनटी एट्टी सेवेंटी सिक्सटी फिफ्टी फोर्टी थर्टी एंड देन ऐसे ही ट्वेंटी एंड टेन तक जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या करते थे, वन टू थ्री फोर फाइव से लेकर टेन तक आप जाते थे, लेकिन आपको क्या करना है, हंड्रेड से वापस वन पे यानी बैक आना है, पीछे आना है, ठीक है। ये होती बैकवर्ड काउंटिंग। जैसे आप यहाँ पे देखिए लिखा है, हेल्प सविता टू गो बैकवर्ड्स रिवर्स वन हंड्रेड नाइनटी नाइन नाइनटी नाइनटी सेवन डॉट 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 वन तक। इसमें क्या लिखा है, नंबर्स अरेंज्ड सच एज द नेक्स्ट नंबर इज वन लेस देन द नंबर इज कॉल्ड बैकवर्ड काउंटिंग, यानी जो लिखा है उससे कम पीछे आते जाना क्या कहलाता है, बैकवर्ड काउंटिंग, यानी हमें जस्ट बैक काउंटिंग लिखना है। बैक काउंटिंग का आपने पढ़ा होगा, यही होती है बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नंबर्स में माइंड नंबर्स, ठीक। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, इंटीजर्स एंड नंबर्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे नंबर नेम एंड नंबर्स। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है उसका हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको पढ़ना है। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, 24। क्या दिया हुआ है, 24। सबसे पहले हम इसमें काउंटिंग करेंगे वंस टेंस है, मतलब ये मीन्स वंस की प्लेस पे है, टू किस प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे। सबसे पहले हम टेंस की प्लेस पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम यहाँ से 24। इसको नॉर्मली क्या पढ़ेंगे आप, 24। तो इसी को क्या करना है, नंबर्स नेम लिखना है 24 को। तो 20 आप पढ़ते हैं, 20 स्पेलिंग क्या होती है, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20, ठीक। नेक्स्ट वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 4। हम इसको क्या लिख देंगे, 4। क्या हो जाएगा ये, 24, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 24 हो गया हमारा। अब हम चेक करेंगे आप क्या है, 16 लिखा हुआ है, इसको भी हम देखेंगे वंस टेंस, ठीक। टेंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 एंड वंस प्लेस पे क्या है, 6। नॉर्मली इसको आप क्या पढ़ेंगे, 16। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 16, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, ये नंबर्स, और ये क्या हो गए, नंबर्स नेम, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स बना करके उसके नंबर्स नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम में, क्या होता है, बढ़ते क्रम में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए क्या होता है, जैसे ये क्या है, छोटा नंबर हो गया,
छोटे से फिर हमें क्या करना है, बड़ा करना है, फिर देख उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हम ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। मीन्स क्या हो रहा है, ये देखिए बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। पहले आप क्या किए, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कोई भी नंबर यहाँ दिए हुए, टू दिया हुआ है, फोर दिया है, वन दिया है, थ्री दिया हुआ है, सिक्स दिया है, एंड फाइव दिया हुआ है, ठीक। अब इन डिजिट्स को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हम देखेंगे छोटा, यानी इसमें क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वन, हम यहाँ क्या रखेंगे, वन, ठीक। फिर वन से बड़ा क्या है, टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू रखेंगे। फिर टू से बड़ा क्या है यहाँ पे, थ्री, हम क्या करेंगे, थ्री। फिर उससे बड़ा फोर, फिर उससे बड़ा फाइव, फिर उससे बड़ा सिक्स। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छोटे से बड़ा गया। आप काउंटिंग पढ़ते क्या पढ़ते हैं, पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स पढ़ते हैं। उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, धीरे धीरे ऊपर, एकदम आप पढ़ते जाइए, क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। इसका मीन्स आप समझ गए ना। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, असेंडिंग ऑर्डर, अब पढ़ेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, घटते क्रम में। अभी हमने क्या पढ़ा, बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बढ़ा। जैसे आप नीचे से क्या करते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, सबसे पहले छोटे पे जाते हो, फिर ऊपर, देन ऊपर, फिर देन ऊपर, देन ऊपर, करके आप क्या पहुंचते हो, छत पर पहुंचते हो। आपने पढ़ा क्या, बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मीन्स आप छत से जब नीचे आते हो तो क्या करते हो, सबसे ऊपर हो, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे आकर जब आप नीचे आ जाते हैं, उसी तरीके से क्या करना है, ये सबसे बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे छोटा करते करते हम आ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी क्या हो जाता है, घटते क्रम में। मीन्स पहले बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा। बड़े से क्या होता है, छोटे, यानी बड़े से क्या करना है, हमें छोटा करना है, ये होता है डिसेंडिंग। मीन्स जैसे ये नंबर